हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको 30 फीट बाई 15 फीट का हाउस प्लान है। तो इसकी चौड़ाई जो है आपको 15 फीट देखने को मिलती है, इसकी लंबाई जो है 30 फीट है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बहुत ही शानदार तरीके से हमने इसको डिजाइन किया है। ठीक है, चलिए वन बाई वन करके सारा डिटेल हम आपको समझा देते हैं। जैसे ही दोस्तों आप इस घर में एंट्री करेंगे तो देख सकते हैं, ये आपको पतला सा गैलरी मिलेगा और ये यहाँ पे एक आपको डोर मिलेगा, मेन डोर। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं फ्रंट में ही आपको स्टेयरकेस का सेटअप मिलेगा जो आपके छत तक जाएगा, और गेस्ट रूम में आपको अटैच टॉयलेट मिलेगा। ठीक है, और एक आपको कॉमन टॉयलेट मिलेगा, किचन मिलेगा, हॉल मिलेगा, और एक आपको बेडरूम का सेटअप देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसका सेटअप किया गया है। तो चलिए वन बाय वन करके सारा डिटेल हम आपको समझा देते हैं। तो सबसे पहले चलिए वॉल को क्रिएट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको वॉल को क्रिएट करना है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, घर का कभी भी काम कराए तो जो बाहर की जो दीवारें हैं, ठीक है, वो हमेशा 9 इंच का रखें। उससे फायदा यही रहता है जो आपके घर का सेफ्टी पर्पज भी बढ़िया रहता है, और दूसरा फायदा ये रहता है कि आपके घर में जो जब ज़्यादा बारिश होता है तो किसी भी प्रकार की दीवारों में सीलन की समस्या नहीं आएगी, आपका घर का पेंट खराब नहीं होता है अंदर वाला। ठीक है, तो ये सब सारी आपको बेनिफिट देखने को मिलता है। ठीक है, बाकी आपके घर का लाइफ भी अच्छा रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हम आपको ये आउटर की जो वाले हैं वो आपको क्रिएट करके दिखा दिया। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ा सा हम आपको इसको जूम कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्लिंथ लेवल। दोस्तों कभी भी आप घर बनाएं तो उसका प्लिंथ लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख सकते हैं प्लिंथ लेवल का हम मार्किंग कर देते हैं कुछ इस तरीके से। दोस्तों इस हाउस प्लान का जो प्लिंथ लेवल है वो 2 फीट हाइट पर हमने बनाया हुआ है। ठीक है, तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको कुछ लाइन मार देते हैं यहाँ पे हम, तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको इसका प्लिंथ लेवल देखने को मिल जाता है। तो चलिए इसके बाद हम आपको अंदर की दीवारें भी क्रिएट कर लेते हैं, और सारा डिटेल हम आपको डायमेंशन डिटेल भी आपको साथ में समझाएंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से पहले हम अंदर की 4 इंच की जो पार्टीशन वॉल है उसको क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद से सारे रूम का हम आपको डायमेंशन डिटेल वन बाई वन करके समझा देंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है सारे रूम का जो भी दीवार का जो साइज है कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अभी हम चले इसको भी, एक दीवार और बच रहा है इसको भी हम क्रिएट कर देते हैं। देखिए इसको थोड़ा टाइम लगेगा बनाने में, चलिए बना देते हैं फिर भी, सॉरी। ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको पूरा जो दीवार की जो हाइट है हमने यहाँ पे बना के आपको दिखा दिया। ठीक है, अभी चलिए वन बाय वन करके सारा डिटेल हम आपको समझाते हैं। ठीक है, ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको स्टेयरकेस का सेटअप देखने को मिल गया। अभी पीछे से स्टार्ट करेंगे, यानी यहाँ से देखिए यहाँ पे आपको एक बेडरूम मिलता है। बेडरूम की अगर साइज़ की बात करें तो साइज़ सबसे पहले यहाँ पे डायमेंशन टूल हमने ले लिया, और यहाँ पे देख सकते हैं 9 फीट 2 इंच की इसकी चौड़ाई है, और यहाँ से देख सकते हैं यहाँ तक आपको 12 फीट लंबाई देखने को मिलता है ये बेडरूम का। और यहाँ पर आपको टॉयलेट का सेटअप देखने को मिलेगा, ये आपका टॉयलेट है, 4 फीट वाइड है, और इस मतलब 4 फीट इसकी चौड़ाई है, और लंबाई की बात करें तो 6 फीट आपको, सॉरी 6 फीट लंबा आपको देखने को मिलता है टॉयलेट। यानी ये जो पीछे में आपको कॉमन टॉयलेट मिलेगा, ये वाला टॉयलेट, ये 4 फीट बाई 6 फीट का है, और ये आपका जो बेडरूम है 9 फीट 2 इंच बाई 12 फीट का है। ठीक है, और ये आपको पूरा 4 फीट वाइड आपको ये पूरा आपको गैलरी देखने को मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको छोटा सा हाल मिलता है आपके घर के लिए, आपका घर छोटा है इसलिए आपको छोटा हाल मिलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 6 फीट बाई 5 फीट 7 इंच का आपको किचन का सेटअप देखने को मिल जाता है। किचन के सेटअप की हम बात करें तो किस तरीके से करना है, तो उसका भी हम आपको पूरा अच्छे से इसमें करके दिखाते हैं किस तरीके से आप किचन अपना सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम एक लाइन टूल ले लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको इसमें आपको देखने को मिलता है। अभी इसको हम स्लैब बना देते हैं। देखिए ये आपका किचन कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, साइज़ तो मैंने बता दिया 6 फीट बाई 5 फीट 7 इंच का आपको था। ठीक है, यहाँ पे आपको गेस्ट रूम का साइज़ छोटा मिलता है, लेकिन फिर भी आपको फैसिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, फैसिलिटी मतलब आपको अटैच टॉयलेट भी देखने को मिलता है। इससे जो इसके पीछे में जो सीढ़ी के नीचे जगह खराब हो रहा था, जो यूज में नहीं था, उसको हमने इसमें कंसिडर कर लिया है, और यहाँ पर अटैच हमने आपको एक टॉयलेट प्रोवाइड कर दिया है। तो देख सकते हैं 9 फीट 2 इंच की लंबाई है, और इसकी चौड़ाई की अगर हम बात करें, यानी ये आपका, तो ये देख सकते हैं 6 फीट 6 इंच का है, यानी आप यहाँ पे एक बैठका बना सकते हैं, छोटा सा सेटअप कर सकते हैं, और यहीं से आपको अंदर में जो स्पेस है यहाँ पे आप अपने टॉयलेट का सेटअप कर सकते हैं, जिससे आपका जो भी कोई गेस्ट है यहाँ पे आप रुक जाता है, और यहीं पे आपका टॉयलेट का सेटअप भी रहेगा, तो आपका जो पीछे का जो टॉयलेट है वो आपका खुद का पर्सनल रहेगा यूज के लिए। ठीक है, तो ये होने के बाद अभी यहाँ से लेके ये जो दीवार है अपना, यानी टॉयलेट के बीच तक का अगर हम बात करें, तो ये देख सकते हैं 22 फीट 2 इंच की आपको लेंथ मिलता है, काफ़ी शानदार है। ठीक है, यानी इतना पूरा आपको ओपन एरिया मिलता है इस हाउस प्लान में। ठीक है, तो ये हाउस प्लान दोस्तों कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। दोस्तों अगर इसका आपको पीडीएफ लिंक चाहिए, यानी पीडीएफ का मतलब आपको जो प्लान होता है अगर चाहिए, तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, फ्रंट में आप यहाँ पे एक विंडो का सेटअप दे सकते हैं। ठीक है, अगर साइड में आपका खुद का ज़मीन है तो वहाँ पर भी दे सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं दे सकते हैं। ठीक है, अगर बताएं तो डोर विंडो किस तरीके से सेटअप करेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको ये वाले हाउस प्लान में ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक आपको डोर देखने को मिलेगा। ठीक है, गेस्ट रूम का यहाँ पे आपको मेन गेट यहाँ पे आप लगा सकते हैं, तो इसको भी हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। देख सकते हैं यहाँ पे आपको मेन गेट रहेगा। ठीक है, और सारे का गेट हम आपको प्रॉपर वन बाई वन करके बना के दिखा देते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं ये आपका टॉयलेट है, तो टॉयलेट के लिए भी हमने यहाँ पे एक डोर का सेटअप दे देंगे।
ठीक है, तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। एक मिनट, ये आप देख सकते हैं कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। इसका डोर का सेटअप है, यहाँ पे हम दिखा देते हैं आपको किस तरह ऊपर में नहीं हो रहा है, तो यहाँ नीचे में थोड़ा सा हम आपको करके दिखा देते हैं। ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से कनेक्ट होगा, और ये वाला जो भी बंद कर देंगे हम, ठीक है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आपको पूरा सेटअप देखने को मिल जाता है। ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं, थोड़ा सा परेशानी होता है कभी कभी, टूल्स अच्छे से काम नहीं करते हैं तो, ठीक है। और ये आपका किचन है, किचन के लिए भी हम एक यहाँ पर डोर प्रोवाइड कर देते हैं, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर भी आपको एक डोर मिलेगा, और ये आपका जो बेडरूम है, बेडरूम के लिए भी एक डोर यहाँ पे आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको बेडरूम के लिए भी एक यहाँ पे डोर का सेटअप देखने को मिल जाता है। और ये आपका जो टॉयलेट है यानी कॉमन टॉयलेट है, इसके लिए भी हम यहाँ पे एक डोर का सेटअप दे देते हैं। दोस्तों, बेडरूम और किचन का जो डोर का साइज रहेगा वो 3 फीट 3 इंच का रहेगा, जो आपका टॉयलेट का साइज रहेगा वो 2 फीट 6 इंच का रहेगा, और गेस्ट रूम का जो डोर का साइज रहेगा वो आपको 3 फीट 3 इंच देखने को मिल जाता है। दोस्तों, कुछ इस तरीके से ये पूरा हाउस प्लान बनकर रेडी हो गया है, ठीक है। इसी तरीके का दोस्तों हाउस प्लान देखने के लिए हमें कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे बेनिफिट क्या होता है, जब भी आपको कोई न्यू वीडियो चाहिए होता है तो आप हमें अपना घर का जो साइज़ है वो भी बता सकते हैं, हम आपके लिए भी वीडियो बना देंगे, ठीक है। और दोस्तों, नए नए हाउस प्लान का आएगा, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।